जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का स्टोरी है दान उत्तम गति, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सुनिएगा। पुरुषोत्तम टंडन एक उदार राजनेता थे। उसकी धन संग्रह में ज़रा भी रुचि नहीं थी। उनके हाथ सदैव दान की मुद्रा में रहते थे। यह घटना उन दिनों की है जब श्री टंडन राज्यसभा के सदस्य थे। यहाँ भी लोग उनकी निराशक प्रवृत्ति से काफ़ी प्रभावित थे। यह उल्लेखनीय है कि श्री टंडन अपनी इस उदारता पर तनिक भी अहंकार नहीं करते थे। एक दिन उन्हें किसी ने आकर कहा कि वे अपना भत्ता राज्यसभा कार्यालय से आकर ले ले। वे कार्यालय में पहुंचे, जब उन्हें चेक दिया गया तो उन्होंने किसी से पेन लेकर अपने चेक को लोकसेवा मंडल के नाम समर्पित कर दिया। वहीं खड़े एक व्यक्ति ने जब उन्हें ऐसा करते देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह उनसे पूछ बैठा, टंडन जी, इतनी मुश्किल से मात्र 100 रुपए मिले थे, उन्हें भी आपने दान में क्यों दे दिया? श्री टंडन जी सहजता से बोले, भाई, मेरे 7 बेटे हैं, मैं उन 7ों से प्रति माह 100-100 रुपये लेता हूँ। मेरे लिए 300-400 रुपये पर्याप्त होते हैं। शेष को भी मैं एक लोक सेवा मंडल को दे देता हूँ। फिर यह तो अतिरिक्त आए, इसे अपने पास क्यों रखूँ? यह सार यह है कि धन की 3 गलतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। इनमें भोग धन की मध्यम गति है, नाश अधम गति है और दान उत्तम गति है। इसलिए अपने आय का 1 हिस्सा दान अवश्य करना चाहिए, तभी उस धन की सार्थकता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।